हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेन आईटीआई सपोर्ट चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आरआरबी एएलपी सीबीटी2 का एग्ज़ाम हो चुका है, और हमारे कई सारे फ्रेंड्स जिन्होंने आईटीआई के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया होगा, जिन्होंने भी सीबीटी1 क्लियर किया होगा। तो फ्रेंड्स, कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एएलपी सीबीटी2 की कट ऑफ बताइए आप, क्या रह सकती है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बताऊंगा आपको कि क्या रह सकती है, जहां तक मेरी लोगों से बात हुई है और कई जानने वालों ने एग्ज़ाम भी दिया है, तो उनके रिव्यू के अनुसार हम यहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे ने जो टेक्नीशियन की सीटें जो थी आईटीआई वालों के लिए, वो काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में निकली हुई थी। लगभग 30,000 से ऊपर की सीटें केवल आईटीआई वालों के लिए थी, और बाकी जो एएलपी है उसमें तो आप सबको पता है कि उसमें बीटेक वाले भी एलिजिबल है और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। तो हम यहाँ पे बीटेक डिप्लोमा वालों एएलपी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बस आईटीआई टेक्नीशियन की बात करेंगे कि उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो कट ऑफ बताने से पहले, सबसे पहले आपको पता होगा कि एग्ज़ाम कई शिफ्ट में हुआ होगा, तो मैंने जो कट ऑफ तैयार किया है वो शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है, कि जो कुछ शिफ्टें कठिन थी और कुछ शिफ्ट ईजी थी, तो उसके अनुसार मैं आपको करके बताऊंगा कि ईजी शिफ्ट वालों के कितने नंबर तक चांस रहेंगे और हार्ड शिफ्ट वालों के कितने नंबर तक चांस रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम्स हुए हैं तो उनमें कौन से शिफ्ट थोड़े टफ थे, कौन से ईजी थे और कौन से मीडियम लेवल के थे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर टफ़ शिफ्ट कौन कौन सा था। टफ़ शिफ्ट की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि 21, 22 और 23 तारीख को एग्ज़ाम हुए थे, उसमें से 21 और 23 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट था, एग्ज़ाम का जो सेकेंड शिफ्ट आया था वो काफ़ी टफ़ था। आईटीआई लेवल से तो और भी ज़्यादा टफ़ था, उसमें न्यूमेरिकल्स वाले सवाल फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा भरे पड़े थे और कैलकुलेटिव काफ़ी था, तो वो करना बहुत ही कठिन था उसमें सवालों को। तो इन शिफ्ट में जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो इन शिफ्ट के स्टूडेंट्स को ज़रूर से ज़रूर 10-15 नंबर का फ़ायदा आराम से बिल्कुल मिलना ही मिलना है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उसी तरह से मीडियम शिफ्ट की अगर बात की जाए, जो टफ़ वाले से थोड़ा सा हल्का था बट ईजी वाले से थोड़ा सा कठिन था, तो 22 को जो सेकेंड शिफ्ट था और 21 का फर्स्ट यहाँ पर मैंने लिख दिया है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 21 की जगह 23 होगा, 23 यहाँ पर होगा। 23 का फर्स्ट शिफ्ट और 22 का सेकंड शिफ्ट जो है ये मीडियम लेवल के पेपर में आप इसको कह सकते हैं, तो ये पेपर के लेवल मीडियम थे। और बाकी जो सारे शिफ्ट थे, 5 शिफ्ट जो बाकी बचे हुए थे, वो शिफ्ट नॉर्मल थे, उनमें कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं थी। तो ये मीडियम वाले शिफ्ट में भी आपके 5-6 नंबर ज़रूर बिल्कुल से बढ़ जाएंगे, और ईजी शिफ्ट वालों के तो ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि शिफ्ट ही ईजी थी तो उसके नॉर्मलाइजिंग में कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, 2-3 नंबर बढ़ सकते हैं। तो इसके अनुसार ही मैंने टेक्नीशियन की कट ऑफ जारी की है, मतलब अपने अनुसार से यहाँ पे देखा है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा अनुमान क्या कहता है। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ जो नॉर्मलाइजेशन से पहले मार्क्स, और ये जो मैंने जो कट ऑफ लिखा हुआ है ये हार्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, कि हार्ड शिफ्ट वालों के अगर इतने इतने नंबर आ रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि 21 का सेकेंड और 23 का सेकेंड, हार्ड शिफ्ट वालों में अगर जनरल वालों के 40 नंबर अगर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा, अगर वो पार्ट बी में पास हो जाएँ तो, पार्ट बी में पास हो जाएँ। और अगर हार्ड शिफ्ट में 40 नंबर इनके आ रहे हैं तो इनका सिलेक्शन बिल्कुल होना चाहिए टेक्नीशियन में। उसके बाद ओबीसी वालों की बात कर लेते हैं, ओबीसी वाले के 35 नंबर से ऊपर थोड़े आसपास रहेंगे तो उनका भी सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि हार्ड शिफ्ट वालों को 10-15 नंबरों का फ़ायदा भी होगा। और एससी वाले 32 नंबर अगर पा जाए पार्ट ए में तो ये भी पास हो जाएंगे, और एसटी वाले 30 के आसपास रहेंगे तो पास हो जाएंगे। पर ध्यान ये रखना है कि आपको पार्ट बी क्वालिफाई होना चाहिए, तब ये नंबर पर आपको, आप यहाँ पर इतने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों ध्यान रहे कि ये कट ऑफ मार्क्स नहीं है, ये रॉ मार्क्स हैं, मतलब जो आप लोगों को आंसर की से आएगा। और नॉर्मलाइजेशन के बाद ये 40 नंबर है तो ये आपका बढ़ के 50 नंबर हो जाएगा, तो जो एक्चुअल कट ऑफ होगी वो 50 नंबर होगी, पर ये मैंने आंसर की के मार्क्स बताए हैं कि इतने होने चाहिए आपके। और देखिए ये कट ऑफ सिर्फ ईजी लेवल वालों, अरे हार्ड लेवल वालों के लिए था, और जिनका पेपर EG2 और मीडियम लेवल का रहा हो तो मीडियम लेवल वाले यहाँ से अपना 3 नंबर इसमें ऐड कर लें, 3 से 4 नंबर ऐड कर लें, उनका कट ऑफ 44 नंबर अगर उनके आ रहे हैं, 44 उनके
45 नंबर लगभग आ रहे हैं, अगर चलिए 45 ले लेते हैं, 5 नंबर इसमें बढ़ा सकते हैं आप मीडियम वालों के लिए। तो आपको जनरल में अगर 45 नंबर, ओबीसी में आपके 40 नंबर, एससी में आपके 37 नंबर और एसटी में आपके अगर 35 नंबर आ रहे हैं मीडियम शिफ्ट वालों के, जो कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि कौन सिर्फ हार्ड थी कौन सिर्फ मीडियम थी, उसके अनुसार अगर इतने इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो आपका बिल्कुल हो जाएगा अगर आप पार्ट बी में क्वालिफाई हो जाते हैं, जो कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो अगर पा लेते हैं तो। उसी तरह से ईजी शिफ्ट वाले आप ध्यान दें, ईजी शिफ्ट वाले यहाँ पे जनरल वाले, उनको उनके 50 नंबर अगर ईजी शिफ्ट में है और जनरल में 50 नंबर पाते हैं, उसी प्रकार से ओबीसी में 45 नंबर और एससी में आपके 42 और एसटी में आपके 40 नंबर, जिनका ईजी शिफ्ट में पेपर था उनको इतने नंबर लाने होंगे तो उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। तो मेरा अनुमान फ्रेंड्स यही है और ईजी टू हार्ड शिफ्ट के अनुसार मैंने ये कट ऑफ बनाया हुआ है। तो कट ऑफ अगर आप पार्ट बी क्वालिफाई हैं तो इतनी ही जाएगी, क्योंकि आईटीआई स्टूडेंट्स की सीट काफ़ी ज़्यादा है और कंपटीशन थोड़ा कम है औरों के मुकाबले। और बाकी यही न्यूज़ है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। आपको अगर कुछ अलग लगता है कि जाएगी तो आप शेयर कर सकते हैं भाई, कमेंट कर सकते हैं आप कि इतनी कट ऑफ जाएगी, आप बिल्कुल शेयर करें। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स का। थैंक यू।